हाय एवरीवन, आई एम अदिति। आई एम युवराज। और आज हम करने वाले हैं रिएक्ट एक ग्लिम्प्स पे, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा कल्कि 2898 AD। बहुत ही अजीब सा अटपटा सा नाम है और इसमें है अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन और दीपिका पादुकोण। और नाम अटपटा नहीं है, नाम बहुत बड़े प्रोजेक्ट का है। कल्कि एक युग है। ओके okay. नहीं, कल्कि एक रूप है जो अभी आने वाला है। कल्कि अवतार ये बोला जाता है कि कलयुग में आएंगे एक मतलब आएंगे भगवान जी कल्कि अवतार में। और ये टाइम है जो दे रखा है, फिर टाइम वो दे रखी क्या कहते हैं, बुराई का सर्वनाश होगा और वो खत्म करेंगे, पता नहीं क्या होगा। वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक पूरा टॉपिक है, उसके बारे में बात बात करेंगे। बट इस मूवी को प्रभास का कमबैक माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रभास के प्रोजेक्ट्स है अभी जो आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं मीडियोकर है। जो अभी मूवी आई थी सरदार, वो बहुत चली थी, बट क्रिटिक्स हैड मिक्स्ड फीलिंग्स और वो लोग कह रहे थे कि अभी भी कमबैक प्रभास का नहीं हुआ है। इसमें मुझे लग रहा है जो अश्वत्थामा है वो है अमिताभ बच्चन। तो चलो देखते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो खतरनाक होने वाला है प्रोजेक्ट। बट लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट इन दिस वीडियो। हाय, आई एम राया। नी पेरेंटी आई लैंग्वेज नहीं है क्या? दूसरी लैंग्वेज नहीं है तो बाद में प्ले कर ले। ये तो ये भाषा लो माटला डाली वो कर ले कैप्शंस सेमय फाइट पनिंग निमन रेडर्स शूट मारे दो मरी नु चनी पोले बा इदो और टेंपल आनो बाय एनी चांस तुम भगवान हो? अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। असल एवर नुवु द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अच्छा अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। The world waits for you. अच्छा मैंने पता है, मुझे नहीं पता कि इसका इसका क्या कहते हैं उसको, PR का कुछ वो है या रियल है वो, क्योंकि मैंने अभी देखा कि अश्वत्थामा को कहीं देखा गया है अभी, है ना? तो पता नहीं इस मूवी के लिए बोला गया है ऐसा या सच में हुआ है। खतरनाक चीज है भाई। और क्योंकि वो अमर थे अश्वत्थामा, अमर होंगे ना, हैं अभी, अगर अमर थे तो फिर अमर है भी। अमर है। और यार बहुत बढ़िया था जो भी था शुरुआत से। अच्छा, इट हैज अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, दो है मेजरली। मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर देना, तमिल, तेलुगु या फिर उन्हीं में से कोई एक लग रही है मेरे को, जो भी हो बता देना कमेंट्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज है ये। और साथ में हिंदी भी है थोड़ी सी, साथ में इंग्लिश है। और अमिताभ सर ने जो दिखाया है ग्लिम्स, जो दिखाई यहाँ पे उनके कुछ भी लगा हुआ था ना, वही कह रहे कि मेरा टाइम आने वाला है, मुझे अब आना है भाई, अब मेरी मतलब बहुत जरूरत है और मुझे लड़ना है। इतना सा था जबकि एक मिनट का था, और बट बहुत कुछ कह दिया भाई, प्रभावशाली था, खतरनाक था भाई। और चीजें और कैरेक्टर्स का वेट कर रहे हैं जब तक ये हमें, मतलब पता नहीं कब तक वेट कराएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये एक अकेली क्लिप इतना अगर घमासान मचा रही है, तो फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स का जब इंट्रोडक्शन होगा तब क्या होगा, मजा आने वाला है भाई देख के। और तुम बताओ भाई, मजा आया यार देख कर, बस थोड़ा लैंग्वेज का वो हो गया कि मैं स्टार्टिंग में कुछ पढ़ नहीं पाई, पढ़नी नहीं मतलब पढ़ने के लिए दे रखा था, ये नहीं पढ़ पाई, तो उसमें मैं पढ़ नहीं पाई, मतलब मेगा सी गलती नहीं है। और अमिताभ बच्चन जी क्या लग रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर में लग रहे हैं, मैं और चाहूंगी उसको देखना। ये बहुत छोटा था, कुछ मुझे और मिले देखने को तो मैं आई विल बी ग्लैड। तो भाई खतरनाक चीज है। और वो जो शिवजी का दिखाया ना, कुछ जो शिवजी पे वो जल का एक ड्रॉप आ रही है, उसका भी कुछ मतलब होगा आई एम श्योर, है ना? कुछ कुछ सिग्निफिकेंस होगा उसको, क्योंकि वो ध्यान दिया है उस सीन पे, मतलब उस पे अच्छा खासा मतलब ध्यान दिया है। और मुझे शिवजी का तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है, खिंचाव हाँ वो है। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, अभी करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और भी बाकी है रिवील करना मूवी के बारे में, तो तभी करेंगे। आप बताओ आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, जो ग्लिम्स है, ट्रेलर है, टीजर मैं बोलूंगा इसको। बट हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बताना और क्या देखना चाहते हो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम युवराज, आई एम अदिति, जय हिंद, बाय बाय।